आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में। कुछ भाइयों ने यहां पे मुझे कॉल किया था, कमेंट किया था कि भाई हमारे साथ ही कुछ इशू हो रहा है, प्लीज़ इसका समाधान हमारा कराएं। तो दोस्तों यहां पे फाइनली आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो भाई यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उनको इशू फेस हो रहा था वो भी मैं बताने वाला हूं। प्लस यहां पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, किस माध्यम से कर सकते हैं और इस पोर्टल में कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज है, कौन सी सर्विस आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी से वीडियो को फुली वॉच करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक जरूर करें। दोस्तों देखिए, कुछ भाई जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, बट यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मेल पहुँच जाता है तो कभी कभार मेल डिले हो जाता है और कभी कभार मेल रिसीव नहीं हो पाता है, कभी कभार मेल जो है स्पैम हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है और आपको लगता है फिर हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन पोर्टल है, एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है और सर्टिफाइड कंपनी है, इसमें कोई तरीके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। बात करें इस कंपनी की सर्विसेज की, तो आपको पता है यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज में बहुत सारी सर्विस, इसके मैंने दो पार्ट वीडियो मैंने बनाए हैं, पहले भी इसके वीडियो दो आप लोगों को मिल जाएंगे और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को प्यार दिया था। लेकिन बात करें यहाँ पे जो सर्विस की, तो गाइस यहाँ पे जो न्यू यूज़र है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सर्विस आप देख सकते हैं, एपीएस, आधार पे, कैश डिपॉजिट, बैंक अकाउंट ओपनिंग, मनी ट्रांसफर, लोन अप्लाई, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई है सॉरी, एंड गाइस यहाँ पे लोन रीपेमेंट है, बैंकिंग केवाईसी सर्विस पॉइंट मिल जाता है आपको, माइक्रो एटीएम आप देख सकते हैं यहाँ पे। बात करें यहाँ पे रिचार्ज, जितने भी पर्टिकुलर मतलब जितने भी टाइप्स के रिचार्ज हैं वो आपको यहाँ मिल जाता है, लेकिन खास इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है यहाँ पे कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर माइनर अकाउंट हो गया और बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट का जो मतलब सर्विसेज होती है वो सर्विस आप लोगों को नहीं मिल पाती है हर पोर्टल में। लेकिन गाइस डिजिटल इंडिया पोर्टल में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी और ये सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ आपका आईडी कोड लगता है और कुछ नहीं। और गाइस अभी आपका प्रॉब्लम में शॉर्ट आउट करने वाला हूँ कि आपको आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, इंस्टेंट कैसे मिलेगा, तुरंत कैसे मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तुरंत मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पहले बात तो मैं आपको सर्विसेज बता देता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस में आपको यहाँ पे आधार उद्योग मिल जाता है, आधार अपडेट की फैसिलिटी ये कंपनी प्रोवाइड करती है क्योंकि ये खुद एनपीसीआई से सर्टिफाइड कंपनी है और सारी सर्विस जेन्युइन प्रोवाइड करती है। कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती है, बस आपको आईडी लेनी है और आप देख सकते हैं सारी सर्विसेज आपकी एक्टिवेट आपको मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आपको आधार अपडेट की जो फैसिलिटी है वो डायरेक्ट नहीं होता, इसी पोर्टल से होता है। एनएसडीएल पैन कार्ड मिल जाएगा, यूटीआई पैन कार्ड मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। जितने भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो सर्विसेज आपको अलग अलग पोर्टल लेना पड़ता था वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। अगर गाइस आपको पोर्टल के माध्यम से आधार अपडेट नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। आधार सेंटर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से इजीली आप यूसीएल यूज़ कर सकते हैं। यूसीएल के माध्यम से आप न्यू आधार कार्ड, माइनर आधार कार्ड, जैसे चाइल्ड आधार कार्ड होता है, बच्चों का आधार कार्ड होता है, वो भी आप बना पाएंगे यहाँ पे। बात करें दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो गाइस डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, एक आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा प्लस सर का नंबर मिल जाएगा, आप इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। सर्विसेज इसमें आप गिनते रह जाएंगे, सर्विसेज बहुत सारी हैं इसमें, ट्रेवल सर्विसेज हैं यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स फाइलिंग सर्विसेज बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट की सर्विस आपको देखने को मिल जाती है, बैंकिंग सर्विस मिल जाती है। तो गाइस मैं खास करके भाइयों को कहना चाहूँगा, देखिए कभी कभार ये हो जाता है कि पोर्टल में प्रॉब्लम आ जाती है, इश्यूज़ हो जाती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है सर से कॉन्टैक्ट करें इमीडिएटली और आईडी पासवर्ड लें, कोई इशू नहीं है, किसी पर्टिकुलर में इशू नहीं होगा आपको। और अगर आपको नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पर्सनल लिंक मैं दे रहा हूँ जिसमें आप इंस्टेंटली रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और गाइस बात करूँ यहाँ पर जो ये पोर्टल है, ये पोर्टल मैं खुद पर्सनली यहाँ पे अपने सारे जितने मतलब जनसेवा केंद्र अपने आसपास में है उनको भी मैं प्रोवाइड करता हूँ और वो भी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आधार जैसी सर्विस मिल रही है, पैन कार्ड जैसी सर्विस मिल रही है, जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सारे लेबर कार्ड तक आपको लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस पोर्टल को एक बार यूज़ करें और इस पर काम करें क्योंकि इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी इस पोर्टल के माध्यम से। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें। जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही।